कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से फोन कर रहा था आपको। मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया था। क्यों, बच्चों ने तंग किया क्या? ऐसा वैसा, इतना तंग किया इन लोगों ने मुझे, पता नहीं। फिर मैंने आइसक्रीम खिलाई, फिर फुटबॉल खेला, अपनी पता नहीं क्या क्या इन्होंने मुझसे करवाया, तब जाके ये सीधे हुए। बहुत शरारती हो गए ये लोग, बाद में खबर लूंगी इनकी। सुनो सुनो, ये किंजापी का देवर है ना, माशाल्लाह कितना हैंडसम है यार, मुझे तो कोई हीरो लग रहा है। तुम लोग वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ, जल्दी आओ। नसरीन खाला है ना, ये उनकी बेटी और ये भांजी है। शादी वाला घर है, घर में इतने सारे काम होते हैं, मासी भी छुट्टी पे चली गई है, तो मैं इनको काम वाम के लिए लेकर आई हूँ। जी चलो भाई। आती हूँ मैं। आ जा। चलो तुम लोग मेरे साथ आओ। हाँ। काम वाम बताऊँ तुम लोगों को, आ जाओ। कर दें, कितना देखेंगे, बोर नहीं होते ये एल्बम देखकर। नहीं यार किंजा, अच्छा लगता है बार बार देखना। देखो कितना हैंडसम लग रहा हूँ, और तुम दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत लग रही थी। देखो अब हूं तो लगूंगी ना, इस बड़े चक्कर काटे थे आपने मुझसे शादी करने के लिए। मैं तो हैरान हूँ मेरे अब्बा भी मान गए, वरना वो गैरों में कभी भी शादी नहीं करते। हाँ ये तो सच है, जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी वक्त से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। वैसे मैंने भी जब पहली बार आपको देखा था ना, सोच लिया था कि आपसे शादी करूंगी। एक फैसला आपने जिंदगी में सबसे अच्छा किया है, जानते हैं क्या, मुझसे शादी करके। चलो तुम्हारे मुंह से किसी तरह तारीफ तो सुनी, मेरी ना सही मेरे फैसले की ही सही। अच्छा किसा ये बताओ कि तुम्हें मुझमें क्या अच्छा दिखा था? पता नहीं, कुछ तो अच्छा होगा ही, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। किंजा कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो यार। झूठ नहीं बोल सकती मैं। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं तुम्हें कभी? सुहेल प्लीज अब सीरियस मत हो जाइएगा, मजाक कर रही थी। जाहिर है कुछ तो अच्छा होगा ना आप में, तभी तो मैंने शादी की।